एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के स्वास्थ्य में 16वें दिन भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टरों ने उनके मस्तिष्क को जागृत करने के अथक प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। श्री नारायण अस्पताल के डॉक्टर सुनील खेमगा की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जोगी का हीमोडायनामिकली स्थिर बना हुआ है। वहीं उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में अत्यधिक उतार चढ़ाव अब नियंत्रण में है, लेकिन वे अब भी खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पहले दिन की तरह ही उनको अभी भी वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। सत्या राजपूत, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्या, अभी अजीत जोगी की हालत कैसी है? जी, अभी अजीत जोगी खतरे से बाहर नहीं है। लगातार 15 दिन इलाज के बाद भी कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टरों की माने तो उनको एक सप्ताह का समय रखे थे, जिसमें अपेक्षानुरूप सुधार की बात कही जा रही थी, लेकिन अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जो अपेक्षा थी सुधार की वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये राहत की बात ये है कि जो उनके अन्य जैसे अंग है वो अभी जो जैसे बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, ये नियंत्रण में है। तो इस तरह अभी उनको वेंटिलेटर से सांसें दी जा रही है, और जो खाने की बात हो या लिक्विड के माध्यम से जो दिया जा रहा था हॉस्पिटल से, जो डाइट है वो अब उनके घर से दी जा रही है। घर का भी खाना उनको तो दिया जा रहा है। तो इस तरह उनके जो अभी स्थिति गंभीर है और लगातार इलाज जारी है, और अन्य राज्यों के जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर है उनके लगातार रायशुमारी की जा रही है और लगातार उनके इलाज के लिए जानकारी ली जा रही है। तो इस तरह लगातार इलाज जारी है। लगातार जब से वो भर्ती अस्पताल में सत्या हुए हैं, जब से वो कोमा में हैं, तो आगे क्या उम्मीद जताई जा रही है कोमा से बाहर आने की, हालात में सुधार की? डॉक्टर जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, हमने डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टर सुनील खेमका है जो लगातार उनमें टीम बनाकर निगरानी रखे हुए हैं, और जो अन्य राज्यों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो मस्तिष्क के डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और उनको तरह तरह के जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो पैराकिरण की बात हो, चाहे थेरेपी की बात हो या आइडियोथेरेपी की बात हो, तमाम कोशिश की है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। बात है जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, जो मस्तिष्क में खून का प्रवाह कम हो गया था, उसमें थोड़ा सा सुधार की बात कही जा रही है। तो इस तरह जो अपेक्षानुरूप सुधार तो नहीं हो रही है, लेकिन जो धीरे धीरे सुधार का क्रम है वो हल्के, मतलब कहा जाए कछुए चाल से जारी है। शुक्रिया सत्या जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस से बागी विधायकों